मैं तुम्हारा पथ प्रदर्शक हूँ, मैं तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचूंगा। हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ गलत नहीं सोचूंगा, क्योंकि मैंने कभी तुम्हारे लिए गलत सोचा ही नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे रास्ते हमेशा फूलों से सजे रहें, हमेशा तुम्हारे रास्तों पर सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें ही आएँ, तुम कभी गुमराह ना हो। और यही कारण है कि मैं तुम्हें समय समय पर नसीहत देता रहता हूँ, मैं समय समय पर तुम्हें बताता रहता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। उसका कारण यह है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो बहुत सकारात्मक हो और उनमें कोई रुकावटें ना आए, क्योंकि अगर उसमें रुकावटें आएंगी तो मुझे पता है कि तुम्हारी जीवन शैली अस्त व्यस्त हो जाएगी, तुम अस्त व्यस्त हो जाओगे और फिर तुम्हें भी बुरा लगेगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कभी भी ज़िंदगी में समझौते करने पड़े, क्योंकि तुमने बहुत समझौते किए हैं, इतने समझौते किए हैं कि तुमने अपनी ज़िंदगी को बहुत बुरी तरीके से बदलते देखा है, तुमने बहुत तकलीफ़ें भी देखी हैं और इतनी तकलीफ़ें देखी हैं कि जितनी तकलीफ़ें कोई और बच्चा अगर होता तो टूट जाता, लेकिन उसके बावजूद भी तुम टूटे नहीं, तुम हारे नहीं और तुम डटे रहे अपनी परेशानियों के आगे। और यही कारण है कि अब तुम्हारी परेशानियां हार मान चुकी है, तुम्हारी परीक्षा जितनी लेनी थी उतनी हो चुकी, इसके बाद तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं होगी, अब इसके बाद तो सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी, बस देखते जाओ। और अभी के लिए शुभ रात्रि मेरे बच्चे।